त्रिकोण में त्रिकालिंगों का निर्देश ना तो शिव पुराण और ना ही नर्मदा पुराण में है कहीं उल्लेख। नर्मदा नदी से निकला हर पत्थर शंकर होता है, इसलिए उन्हें नर्मदेश्वर भी कहा गया है। नर्मदा से निकला हर कंकड़ भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं में माना गया है कि चूंकि नर्मदा भगवान शिव की पुत्री है, इसलिए नर्मदा में ही शिवलिंग निर्मित होते हैं। नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थर शिवलिंग के आकार के होते हैं। वैज्ञानिकों का मत है यह सब प्राकृतिक क्रिया से होता है। नर्मदा नदी के तेज भाव से पत्थर बहता है, टकराता है, जिससे उसके नुकीले हिस्से टूट जाते हैं और वह शिवलिंग के आकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नर्मदा पुराण में उल्लेख है कि नर्मदा नदी से ही निकलता है सबसे पवित्र शिवलिंग। एक जिलेरी में दो शिवलिंग ओपलेश्वर महादेव मुरैना में देखे गए। शास्त्रों का मत है कि विश्व में एकमात्र रेवा तट लम्हेरी ग्राम पंचायत में कुंभेश्वर नाथ में शिवलिंग रामेश्वरम और लक्ष्मणेश्वर के नाम से जाना जाता है। एक जलहरी में दो शिवलिंग हैं। नर्मदा नदी में ऐसी ही प्राकृतिक क्रिया से त्रिकोण पाषाण पर तीन अंगों का उकेरा जाना त्रिकोण में त्रिकालिंग होने की पुष्टि कर रहा है। त्रिकोण पाषाण पर त्रिकाल तीन लिंगों की उकेरी छवि विश्व की अद्भुत अनूठी तथा विचित्र किंतु सत्य की एकमात्र घटना की पुष्टि कर रही है। त्रिकोण त्रिकाल और लिंगों की पुष्टि शिव पुराण और नर्मदा पुराण में है, लेकिन एक ही लिंग एक ही त्रिकोण पाषाण पर त्रिकाल लिंगों की छवि उकेरे होने की पुष्टि ना तो शिव पुराण में और न ही नर्मदा पुराण में। क्या यह सनातनी परंपराओं और मान्यताओं की नवीन शोध एवं अनुसंधान प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त नहीं कर रही है? त्रिकालदर्शी है शिव, तो शिव के तीन लिंगों का उकेरा जाना भी स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है।